हेलो एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ का टॉपिक सेल साइकिल के बारे में समझाऊंगी तो हमने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है सेल साइकिल को हम इसमें समझेंगे और सेल रेगुलेशन को एक डिफ डिफरेंट वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रेगुलेशन कुछ टाइम टफ़ हो जाता है कुछ बच्चों के लिए तो उसको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे कि कैसे रेगुलेशन होता है और उसको मैं ईजी मैथड में समझाने की कोशिश करूंगी कि हाउ द सेल इज़ रेगुलेटेड सेल कैसे अपने आप को रेगुलेट कर पाती है कैसे वो अपने को गवर्न करती है कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है कब रुक जाना है कब आगे की फेज में कंटिन्यू करना है तो उसके लिए रेगुलेशन होता है और वो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि सी डी के मिल के करते हैं तो वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है तो सेल मतलब कि क्या होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एक सेल होती है हमारे बॉडी सेल से मिलकर के बनी है हमारी बेसिक यूनिट वही है उसी से पूरी हमारा ढांचा बना हुआ है तो सेल से मिलकर टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी कई ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनती है तो सेल का हम क्या कर रहे हैं साइकिल पढ़ेंगे यानी कि एक सेल के अंदर कैसे वो अपने से डबल कॉपीज तैयार करती है वही हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस को अलग से डील कर रखा है तो यहाँ पे एक फेज आती है एम फेज एम फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि या मियौटिक. तो ज्यादातर में में ही होती है 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 इसलिए हम को को पे करेंगे सेल के अंदर Then, cell और क्योंकि ये जो है, पैटर्न है. एक बार क्या हो गए, हो गई गई फिर से वो वही पैटर्न को रिपीट करेगी इसलिए ये के में चलता रहता है एक सेल ने दो डॉटर सेल्स बनाई फिर वो वही पैटर्न वो भी रिपीट करने वाली है इसलिए सेल साइकिल तो एक फेज़ होता है इंटरफेज जो इंटरफेज़ होता है आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा हिस्सा इस इंटरफेज ने कवर कर रखा है और इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं सेल क्या करता है यहाँ पे रेस्ट करता है कहने के लिए ही रेस्ट करता है बट एक्चुअल में ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन है सबसे ज़्यादा एक्टिव इंटरफेज में ही रहते हैं यानी कि इंटरफेज़ में क्या होता है कि सेल अपने आप को तैयार करती है कहते हैं ना कि तैयारी युद्ध से ज्यादा बड़ी तैयारी होनी चाहिए तो अब यहाँ पे युद्ध करना है यानी कि अब क्या करना है सारा मैकेनिज्म परफॉर्म करना है तो पहले आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए एग्जाम देने तीन घंटे के एग्जाम से पहले आप क्या करते हो पूरी प्रिपरेशन साल भर से करते हो साल भर आपको पढ़ाया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हो उसको रटते हो उसको अलग अलग वे में अपना अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना मैकेनिज्म होता है समझने का तो वैसे ही हर सेल के पास एक इंटरफेस होता है जिसे हम रेस्टिंग फेज करते हैं इसमें सेल अपने आप को तैयार करती है आगे के फेज के लिए उसके बाद जो इंटरफेज होता है उसके बाद चलती है माइटोटिक फेज अब इंटरफेज जो होता है उसमें तीन फेज होती है जीवन यानी कि गैप फर्स्ट सिंथेसिस फेज और उसके बाद एक G2 टू फेज यानी कि गैप सेकेंड फेज और उसके बाद माइटोटिक तो माइटोटिक डिवीजन में हमने पढ़ ही रखा है कि सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करती है यानी एक सेल से दो सेल बन जाती हैं और दोनों सेल्स में क्या होते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आते हैं अगर ह्यूमन की केस की बात हो रही है तो यानी कि 46 सिक्स क्रोमोजोम से दो जो सेल्स बनेंगी उसमें भी फोर्टी सिक्स सेल्स क्रोमोजोम नंबर आ जाते हैं सेल साइकिल की बात कर रहे हैं तो पहले सेल को समझ लेते हैं सेल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है बीच में इसके न्यूक्लियस होता है द सेंटर पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाई अ न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है यही क्या करता है मेन काम करता है यह कैरियोकाइनेसिस होती है तो हमने पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है माइटोसिस में और मियोसिस में तो इसमें सेल के में न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है और सेल का डिवीजन इज कैरियोकाइनिस साइटोकाइनेसिस uh, तो ये हमारी सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल तो डीएनए होता है या फिर किसी किसी ऑर्गेनज में आर भी पाया जाता है फॉर द डिविजन यही क्या करता है सेल को गाइड करता है कि कैसे क्या काम करना है आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है इसके बाद सेल में क्या होते हैं साइटोप्लाज्म होती है एक लिक्विड तरल पदार्थ जो होता है प्लाज्मा की तरह पूरा फैला होता है और उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमंस में या एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट्स में सेल वॉल होती है ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में और क्या क्या सेल इस में कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ई आर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है दिस इज द ई अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है एक होता है स्मूथ

प्रोड्यूस करता है देन सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है ये तो ऑर्गेनल नहीं है इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे फिर राइबोसोम्स तो राइबोसोम्स ऐसे डॉट 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 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसके बाद वैक्यूल्स तो छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का, का काम करते हैं यानी कि सेल को मेंटेन करते हैं उसके स्ट्रक्चर में ताकि ना बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाए ना बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाए जो है ऑस्मो रेगुलरिटी करके रखते हैं देन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस तो आपने पढ़ लिया तो दिस इज द बेसिक यूनिट सेल और ऐसे ही कई हजार मिलियन सेल्स मिल करके क्या करते हैं एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं अब हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है तो सेल साइकिल मतलब कि सेल को रिपीटेड मैनर में जैसे आप साइकिल चलाते हो तो टायर बार बार उसी प्रक्रिया से घूमती है तो वैसे ही साइकिल में यहाँ पे सेल की साइकिल है जो कि रिपीटेड फॉर्म में चलती रहेगी तो इसके अंदर क्या होता है सेल साइकिल वो सीरीज ऑफ इवेंट है सीरीज ऑफ इवेंट जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं और क्या करते हैं सेल को दो डॉटर सेल्स में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बना देते हैं प्रोड्यूस रेप्लिका अपनी एग्जैक्ट कॉपी अपनी तैयार कर देते हैं सिंथेसिस में डीएनए का सिंथेसिस होता है जो सिंथेसिस फेज होती है उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है जो कि सिंथेसिस फेज आगे अभी आगे, आगे पढ़ने वाले हैं हम और फिर उसके बाद जैसे ही डीएनए का रेप्लिका तैयार होता है कैरियोकाइनेसिस हो जाती है कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल ही अलग अलग हो जाती है उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें दो फेज होते हैं एक होता है इंटरफेज एक होता है माइटोसिस अब ये यू कैराटिक सेल्स में क्या होता है यू कैरोटिक सेल्स में ये जो सेल साइकिल होती है वो दो पी, दो फेज में डिवाइडेड होती हैं जैसे कि यहां पे हम देख पा रहे हैं एक हो गया हमारा इंटरफेज और दूसरी हो गई हमारी माइटोसिस अब यहाँ पे माइटोसिस यानी कि एम फेज बस लिखते हैं एम फेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो सेम प्रोसेस से होकर के गुजरती है यानी कि इंटरफेज तो होगा उसके बाद

प्रोकेरटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया के केसेस में ऐसा होता है मोनेरा और उसके बाद सारे के सारे इंडिविजुअल हम हर किंगडम में देखते हैं कैसे होते हैं यू तो यू में दो फेज होता है एक इंटरफेज दूसरा माइटोसिस। अब हम देखते हैं कि क्या क्या फेजेस हैं तो हमने पढ़ लिया कि दो फेज हैं इंटरफेज और दूसरा क्या है माइटोसिस यानी कि एम फेज अब यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि सोमेटिक सेल्स हैं ज़्यादातर हमारी पूरी बॉडी में सोमेटिक सेल्स हैं और सारी बॉडी में क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है इसलिए माइटोसिस को कंसिडर करके चलते हैं तो इंटरफेज में तीन फेज होते हैं कौन कौन सा जी फेज एस फेज और जी फेज तो जी फेज क्या है गैप फर्स्ट फेज तो गैप फर्स्ट यानी कि क्या हो रहा है इसमें अब सेल अपने आप को सिंथेसिस फेज के लिए तैयार करती है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है हमारा इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज और ये हमारा एस फेज है वो सिंथेसिस सिंथेसिस फेज़ फेज़ है। सिंथेसिस किस चीज़ की हो रही है? यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल की सिंथेसिस हो रही है जिस इंडिविजुअल में आरएनए होता है वहाँ आरएनए की सिंथेसिस होती है यानी कि उसका रेप्लिका कॉपीज तैयार होती हैं ये पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डीएनए था उसकी कॉपी तैयार होना शुरू हो जाती है नंबर ऑफ कॉपीज जैसे ही तैयार होती है सेल को सिग्नल दे दिया जाता है कि भाई कॉपी हमने तैयार कर ली है अब हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे युद्ध के मैदान में अगला फेज क्या करने वाले हैं जी अब जी फेज जो होता है प्री माइटोटिक फेज बोल रहे हैं ये जो है जीवन फेज वो एस फेज के लिए तैयारी कराता है और जैसे ही सिंथेसिस होती है जी फेज आता है यानी गैप सेकेंड अब गैप ले रहे हैं माइटोसिस पहले है। तो माइटोसिस की तैयारी करने वाले हैं या माइटोटिक डिवीजन की तैयारी करने वाले हैं माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं अब करने हैं तो उसके पहले, और सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो 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 रेडी हो जाएंगी और जैसे ही रेडी हो जाएंगी तो सेल क्या करेगा कि भाई जी फेज हो गया हमने सब तैयारी कर ली है अब तुम तो आगे बढ़ो आगे बढ़ के क्या करो माइटोटिक फेज को कंटिन्यू करो तो माइटोटिक फेज में जब एक पेरेंट्स सेल मदर सेल क्या करेगी तैयार हो जाएगी जैसे क्या होता है कि हमारी माँ हमें जली हुई रोटी नहीं खिलाती हैं तो उस तरीके से सेल जब होता है क्या कहता है कि हम भी हमारी जो हमारी जो कॉपीज तैयार हैं वो हम तब तक पास ऑन नहीं करेंगे जब तक हमारी परफेक्ट कॉपीज तैयार नहीं हो जाती तो वैसे ही ये सेल कहता है कि अगर इसने सही सही से तैयारी कर ली है तब तो ये माइटोटिक फेज़ कंटिन्यू होगा अगर सही से तैयारी नहीं की है तब यहाँ पे माइटोटिक फेज़ नहीं होता है यानी कि सेल क्या करता है अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया इसी फेज पे इसको रोक दिया जाता ठीक है इसमें से किसी भी फेज पे अगर तैयारी नहीं हुई है तो ये रोक दिया जाएगा सेल साइकिल मान लीजिए यहीं पे क्या हुआ तैयारी नहीं हुई थी तो सिंथेसिस आगे होगी ही नहीं जैसे क्या होता है कि स्कूल गेट पे आप जो तक अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाते हो आपको स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है अब कहोगे मैम कभी कभी तो मिल ही जाती है <laughs> तो यहाँ क्या होता है लेकिन सेल ऐसा नहीं करता एक बैरियर बना करके रखता है और उसको अलाउ नहीं करता है फर्दर प्रोसेस के लिए तो जैसे ही इसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है कि भाई मेरे पास सारे कॉपी सारी है सारे बुक्स हैं मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है तब इसको आगे जाने दिया जाता है अगर नहीं होता है इसके पास सारे मटेरियल तो ये क्या बोलता है कि जाओ अपने सारे मटेरियल्स लेकर के आओ यानी सेल को वापस भेज दिया जाता है कि जाओ फिर से तैयारी करो सारे अपने मटेरियल्स ले करके आओ सारे एंजाइम प्रोटीन सब तैयारी करके आओ तो जैसे ही वो ले करके आता है तब तो उसको एंट्री दे, दे देंगे वापस ये चला गया ठीक होने और वापस आया तो इसको एंट्री मिल जाएगी अगर सही इसने तैयारी की होगी अगर ये सही नहीं हो पाता है मतलब एक बच्चा है डिफॉल्टर ही है यानी कि वो क्या है वो उस कॉलेज का है ही नहीं तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से आएगा तो वैसे ही वो सेल क्या होती है जिसके पास ये चीज़ हो ही नहीं पाती है वापस भेजने के बाद भी ये वापस से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता है तब हम करते हैं अपोप्टोसिस की प्रोसेस जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपोप्टोसिस यानी कि सेल की डेथ होती है सेल की डेथ कैसे होती है पूरे डिजाइन मैनर में मतलब सेल सोच समझ के उस सेल को मार देता है मतलब सोची समझी क्या है सुसाइड है अपोप्टोसिस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेल डेथ मतलब सेल अपने आप को सोच समझ के मार देता है खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि आगे जो है आगे आने वाला जो सेल है उसमें भी ऐसी कोई डिफॉल्ट ना आ जाए ठीक है तो या तो ये वापस ठीक होकर के आ जाएगा या तो अपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाएगा जिस अपोप्टोसिस की प्रोसेस को हम अलग से एक वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अपॉप्टोसिस क्या होती है यानी कि सेल की डेथ होती है इन अ डिजाइन मैनर यानी कि प्री डिजाइन मैटर हम सोच समझ के उसकी डेथ कराते हैं या सेल अपने आप को सोच समझ के सुसाइड करती है इस तरीके से फिर जैसे सिंथेसिस फेज होता है उसके बाद जी टू फेज होता है जी टू फेज के बाद यहाँ पे भी अगर क्या होता है सेल अच्छे से तैयार नहीं है माइटोसिस के लिए तो इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा या तो सेल की डेथ कर दी जाएगी अगर सही नहीं है अगर या तो क्या करिए वापस भेजेंगे कि फिर से सिंथेसिस करके लाओ तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रोसेस होगी ठीक है इस तरीके से क्या होता है सेल आगे की ओर बढ़ती है इस तरीके से सेल का रेगुलेशन होता है चेक पॉइंट्स पे तो कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो भी जो कि हम आगे पढ़ेंगे और रेगुलेशन में इन चेक पॉइंट्स के इम्पोर्टेंस में आपको बताऊंगी तो यहाँ पे क्या होता है कि जीवन इंटरफेस के अंदर सिंथेसिस फेज और जी टू फेज यानी कि माइटोटिक के पहले की तैयारी कर रहा है इसलिए प्री माइटोटिक फेज उसके बाद माइटोसिस होती है माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं फ्रॉम आवर टू अगर मान लीजिए एक ह्यूमन का केस है टिपिकल ह्यूमन केस में क्या होता है कि एक सेल का ड्यूरेशन नाइन्टी आवर्स का होता है तो ह्यूमन के केस में एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए नब्बे घंटे लगते हैं एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो 90 आवर्स क्या लगते हैं एक सेल को अपने कॉपीज बनाने में लग जाते हैं अब 90 आवर्स में से 89 घंटे तो बस ये इंटरफेज ही खा जाता है इंटरफेज यानी इसके अंदर तीन फेज है ना तो ये पूरा होने में ही कितना लग जाता है 89 नाइन आवर्स तो ह्यूमन के केस में 90 आवर्स में से 89 नाइन आवर्स किसमें हो जाते हैं इंटरफेज में ही लग जाते हैं अब इंटरफेज के हर फेज को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे ये हमारा डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बनाना भी पड़ेगा एग्जाम के दौरान क्या होता है कि एक होती है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरफेज ये पूरा हमारा इंटरफेज है ये पूरा इंटरफेज है और ये क्या है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज तो एम फेज में क्या होता है देखिए हम चार पार्ट में डिवाइड किए हैं जीवन s g2 m और m भी चार पार्ट में डिवाइस है जो कि क्या हमने कैसे याद किया था p m at work p से क्या है प्रोफेज m मेटाफेज देन a से एनाफेज और t से टेलोफेज उसके बाद क्या होता है जैसे ही दो कॉपीज तैयार होती हैं यहाँ सेल में क्या होता है इसकी दो कॉपीज यानी कि ये है सेल और ये क्या हुआ पहले क्या हो गई g1 फेज से गई फिर g2 और सॉरी s फिर जी टू फेज से और फिर क्या किया माइटोटिक से दो सेल बना दी जैसे ही दो सेल बनाई अब इन सेल में भी क्या होगा अब ये नई सेल बन गई ये नई सेल बन गई इन सेल में भी यही प्रोसेस होगी यानी कि ये भी इसी प्रोसेस से होकर गुजरेंगे और ये भी एक दो सेल बना लेंगे इससे और ये सेल भी क्या करेगी दो सेल बना लेगी इससे ये भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे फिर इनके बच्चे भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे ठीक है जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है बच्चा बड़ा होता है पढ़ने जाता है फिर शादी कर लेता है बूढ़ा हो जाता है फिर उनके बच्चे भी यही काम करते हैं तो ये क्या हो रहा है साइकिल जनरेशन टू जनरेशन रिपीट हो रही है तो वही केस यहाँ पे भी करना है तो आप लोगों को ये जनरेशन ये चीजें रिपीट नहीं करनी है आपको कुछ बड़ा करना है अभी मन लगा करके पढ़ लोगे टाइम दे दोगे पढ़ाई पे तो आगे आप लोग आपको क्या होगा गूगल पे सर्च किया जाएगा तो इसलिए अभी आप पढ़ाई कर लीजिए तो यहाँ पे है पहला जीवन फेज जीवन फेज क्या है ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक इसमें क्या होता है डिवीजन यानी कि मेटाबॉलिक रोल जीवन फेज है ना तो मतलब गैप फर्स्ट है यहाँ पे क्या है इंटरफेस फेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं कहने के लिए ही रेस्टिंग फेज है इसी में ज्यादातर काम इसी में हो रहा है एटी नाइन आवर्स क्या कर रही है सेल रेस्ट तो कर नहीं रही है अंदर ही यहाँ पे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं फिर यहाँ प्रोफेज है तो प्रोफेज में क्या होता है प्रोफेज में क्या होता है कि पहला जो सेल है उसमें न्यूक्लियोलर मैमब्रेन गायब हो जाती है और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है देन एनाफेज में आता है एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर में यानी कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं आकर के काइनेटो कोर से एक क्या है, है क्रोमोजोम से अटैच हो जाते हैं तो ऐसे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में काइनेटेक ओर से क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और उनको बीच से तोड़ देते हैं और दूसरे डायरेक्शन में ले जाने के लिए तैयार करते हैं फिर मेटाफेज में बिल्कुल सेंटर में क्या होता है कि क्रोमोजोम अटैच होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स उनसे अटैच हो जाते हैं एनाफेज में क्या होता है ये बीच से सिस्टर क्रोमैटिक्स टूट करके अलग अलग हो जाती है अब मैं आपको बता दूं कि सिस्टर क्रोमैटिट्स क्या होती हैं अगर आपको कंफ्यूजन रह गई होगी तो देखिए ये होती है ये सिस्टर क्रोमैटिट्स होती हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिट्स हैं ये इसकी सिस्टर है ये जो है इसकी सिस्टर है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये जो सेल है अब दूसरा क्रोमोजोम है अब दूसरा क्रोमोजोम जैसे एक सेल के अंदर ही दूसरा क्रोमोजोम है या दूसरे सेल की क्रोमोजोम है तो ये और ये ये दोनों क्या हुई ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई ये इसकी सिस्टर नहीं है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई ठीक है

सेल में क्या होगा कि ये बीच से एनाफेज में डिवाइड हो जाएंगी एक इधर चला जाएगा और दूसरा दूसरे छोर पे चला जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से अलग हो जाती हैं एनाफेज में देन टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है प्रोफेज के यानी कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी सेल की के, अंदर दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगी जैसे ही एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं तो क्या होता है कि सेल को समझ में आ जाता है कि भाई कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है यानी न्यूक्लियस का कंसंट्रेशन एक सेल के अंदर ज्यादा हो गया दो न्यूक्लियस बन गए टीलो फेस में फिर क्या होता है साइटोकाइनेसिस हो जाती है यानी कि एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस हो जाती है और दोनों के अंदर ये एक न्यूक्लियस चला जाता है यहाँ से क्या होता है कि क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है और ये क्लीवेज होते 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 क्या होता है बिल्कुल सेल दो अलग अलग हो जाती हैं तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू अब यहाँ पे एस फेज यहाँ पे डीएनए का रेप्लीकेशन होता है डीएनए सिंथेसिस होता है सिंथेसिस फेज यानी किसका सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का जीवन फेज इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है उन मटेरियल का सिंथेसिस हो रहा है जो डीएनए के लिए प्रिपेयर करेगा खुद को और यहाँ पे क्या हो रहा है ये प्री माइटोटिक फेज कहते हैं जी टू फेज को यानी कि किसका हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है प्रिपरेशन हो रही है माइटोसिस के लिए तो सेल अपने आप की साइज बड़ा करता है सेल इतना सा सेल है वो साइज बड़ा करता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं और माइटोटिक फेज के बाद डिवीज़न हो जाता है तो यहाँ पे क्या करता है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सारे इंजाइम्स ले आता है जो जो क्या करते हैं रेप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं सारे प्रोटीन्स बना के तैयार कर देता है टी आर एन एम आर एन ए सब बना के तैयार कर देगा कि भाई अब चलो हमको सेल की डिविजन करनी है तो ये होता है इसलिए प्री माइटोटिक तो और यहाँ पर सिंथेसिस का कर रहे हैं तो सारे इंजाइम जो भी आर चाहिए उनको डी चाहिए और चाहिए वो सारी तैयार कर देता है और का सिंथेसिस हो जाता है तो इस ये रहा आपका ओवरव्यू अब एक एक करके एक एक फेज को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्या होता है इंटरफेज़ क्या होता है जीवन फेज तो इंटरफेज़ जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है सबसे बड़ा है मैंने बताया ना एटी नाइन आवर्स तो इंटरफेज में ही चले जा रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट फेज है आपके सेल साइकिल का इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं रेस्टिंग फेज होता है सेल का और 89 नाइन आवर्स नब्बे घंटे में से तो इसी में ही चले जाते हैं और लॉन्गेस्ट फेज है आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट फेज है रेस्टिंग रेस्टिंग मतलब का मतलब ये नहीं होता है कि अब करने सेल सेल का ये क्या होता है पता भी नहीं चल रहा है जैसे हम कहते हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस काम क्या करो अपना साइलेंस से धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहो तैयारी करते रहो और अचानक से आपका सक्सेस क्या करेगा आपका सक्सेस शोर मचाएगा एक दिन तो उस तरीके से सेल क्या करती है शांति से एटी नाइन घंटे काम करती है और नब्बे नब्बे आवर पे क्या करती है दो सेल तैयार करके आपको दे देती है मतलब एक घंटे की प्रोसेस और लगती है और दो कॉपीज तैयार हो जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि इसके एटी नाइन घंटे की जो मेहनत है वो सफल हुई इस तरीके से आपको क्या करना है काम करना है पढ़ाई करनी है देन सेल ग्रोथ एट दिस फेज सेल की ग्रोथ होती है इस समय सेल ये जैसे छोटा सा सेल है वो क्या करेगा अपनी साइज में ग्रोथ करता है अभी डिवीजन नहीं हुआ बट साइज में इंक्रीज कर गया तो सेल की ग्रोथ होती है इस फेज में ठीक है देन क्या होता है कि एम आर एन ए टी आर एन ए ये सब क्या होता है सिंथेसिस होना स्टार्ट कर देता है एम आर एन ए टी आर एन ए ये सब क्या होता है सिंथेसाइज होने लगते हैं डोक्रोमैटिक्स और जो होते हैं डुप्लीकेट करने लगते हैं और दो क्या होता है दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं और क्रोमोजोम नंबर भी डबल होने लगते हैं यानी अपने आप को डबल करने लगते हैं क्या होता है कि ऐसे होते हैं ना ये अब ये अपने आप को पेयर में बनाने लगेंगे ऐसे होते हैं और ये ऐसे बन जाएंगे डबल बन जाएंगे तो अपने को डुप्लीकेट करेंगे क्रोमेटिड्स अपने को डुप्लीकेट कर देंगे सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे डुप्लीकेट करने लगते हैं ठीक है देन क्या होता है अब मैं कह रही हूँ डबल हो जाते हैं तो यहाँ सेंट्रियोल समझने की बात है अगर आपने साइकिल में नहीं समझा होगा देखिए सेल होती है सेल में दोनों एंड पे मैंने बढ़ाया था कि सेंट्रियोल्स तैयार हो जाती हैं तो ये कुछ ऐसी होती है ना अब आप देखोगे अगर डायग्राम को सही से माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन में तो बस सेंट्रियोल एक एक नहीं है पेयर में प्रेजेंट तो ये सेंट्रियोल्स डबल डबल हो जाती हैं ठीक है ये अपने आप को डुप्लीकेट करने लगती हैं दो यहां और दो यहाँ प्रेजेंट होने के लिए दो सेंट्रियोल्स सें। जा जा बन जाती हैं दो सेंट्रियोल्स जब बन जाती हैं तो इसी को बोलते है, इसी, तो इसी, मतलब इस हैं दो सेंट्रियोल हैं तो दो सेंट्रियोल सेंट्रियोल के पेयर को तो हम क्या बोलते हैं सेंट्रियोजोम ठीक है सेंट्रियो तो और ये जो क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम के बीच में क्या होता है तो क्रोमोजोम के जो बीच में ये जो मटेरियल होता है 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 उसको क्या बोलते बोलते हैं हैं तो इसको बोलते है, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर ठीक कंफ्यूज नहीं होना क्रोमोजोम के बीच का जो मटेरियल है उसको बोलना है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर और ये जो सेंट्रियोल्स दो सेंट्रियोल्स के पेयर होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम अगर मैं बोल रही हूँ सेंट्रोजोम तो मैंने दोनों दो सेंट्रियोल्स को बोल रही हूँ दो सेंट्रियोल्स मिल करके सेंट्रोजोम बनाते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम का है और एक सेंट्रियोल मतलब एक तो यही सेंट्रियोल जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं दोनों साइड डबल हो जाती हैं तो ये सेंट्रियोल जो होती हैं वो डुप्लीकेट कर जाती हैं से, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सारी जो है वो एस्टर्स बनाने लगती हैं वॉट इज एस्टर देखिए एस्टर क्या होता है जो माइक्रो ट्यूब्यूल होती है ना स्पिंडल फाइबर जिससे बनते हैं जैसे ये क्रोमोजोम है क्रोमोजोम से जो स्पिंडल फाइबर्स ये हमारा मान लीजिए क्या है दो इसके अंदर सेंट्रियोल्स से हैं और ये क्या हो गया हमारा सेंट्रियोल्स दो इसके अंदर हैं ठीक है और सेंट्रियोल से निकलती है हमारी ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स इससे जा करके इससे जा करके हर सेंट्रियोल के हर क्रोमोजोम के सेंटर पोजीशन से जाकर के इसके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम है तो दोनों साइड से 46 46 निकलेंगे इधर से भी 46 सबके सेंटर से जाकर जुड़ेंगे इधर से भी 46 निकलेंगे हर क्रोमोजोम के सेंटर से जाकर के ये जुड़ते हैं ठीक है बट इधर से भी जो निकलता है ना इधर से भी छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ये भी माइक्रो ट्यूब्यूल है ये भी माइक्रो ट्यूब्यूल है जो माइक्रो ट्यूबूल किसी से अटैच नहीं होते हैं और अपोजिट साइड में निकलते हैं उस माइक्रो ट्यूब्यूल को एस्टर बोलते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है दिस इज द एस्टर ये सेल के अंदर ही होती है ये सेल के अंदर ही है ये स्ट्रक्चर ऐसे ठीक है सेल थोड़ी बड़ी सी है और ये एस्टर जो है इसके बाहर ऐसे निकलते हैं और ये जो मा सारे ट्यूब्यूल्स हैं उन सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स को मिला करके हम स्पिंडल फाइबर का नाम देते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिक डिफरेंस था सेंट्रियोल में क्रोमोट्रोजो में सेंट्रोमियर में और माइक्रो ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स में ठीक है तो ये सब हो जाता है हमारा इंटरफेज में इंटरफेज के अंदर तीन फेज थी जीवन फेज एस फेज और जी टू फेज तो पहले हम पढ़ते हैं जीवन फेज के बारे में अब जीवन फेज क्या होता है यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है इंटरफेस की तो गैप फर्स्ट फेस के फेस के नाम से भी जानते हैं पहला गैप है अभी पहला गैप है सिंथेसिस के पहले तो ये क्या है इसलिए इसको गैप फर्स्ट फेज के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं अभी ग्रोथ हो रही है सिंथेसिस करने के लिए डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए जो भी इन्जाइन चाहिए उसका हम क्या करेंगे सिंथेसिस यानी कि प्रिपरेशन कर लेंगे और सारी तैयार करके रख देंगे कि बस खाना बनाने से पहले सारी सब्जियाँ काट करके रख देते हो ना तो वो हो गया आपका जीवन फेज़ और जो खाना बन जाएगा वो हो गया आपका एस फेज तो यानी डीएनए तैयार हो जाता है हमारा सिंथेसिस फेज में इसको ग्रोथ फेज कहते हैं अभी ग्रोथ हो रही है ये क्या होता है 25 से 50 परसेंट जो टोटल इंटरफेज है अब इंटरफेस के तीन फेज में है ना तो तीन फेज में से 25 से 50 परसेंट फेज जो होता है इंटरफेस का वो इसी फेज में लग जाता है इसी की तैयारी में लग जाता है कि हमको सिंथेसिस करनी है खाना बनाने से ज्यादा वो जैसे दिखाता नहीं है कि दो मिनट में चॉप कर दिया अनियन चॉप हो गए और सारे खाने चॉप हो गए टमाटर चॉप हो गया बस बना करके रख दिया वैसे तो होता नहीं है हर चीज को चॉप करने में टाइम लगता है तो सब्जियां चॉप करने में टाइम लगता है ना तो ये चॉपिंग का काम करने में पच्चीस से पचास यानी कि प्रिपरेशन का काम करने में सिंथेसिस करने से पहले वो 25 से 50 परसेंट लग जाते हैं 20 अमाइनो एसिड तैयार हो जाते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड के, के ही मिलने से बनती हैं अलग अलग अमाइनो एसिड या 20 अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे बन जाती हैं कि अलग अलग क्या होते हैं प्रोटीन्स तैयार हो जाते हैं इनकी अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होती है तो अलग अलग हमारे प्रोटीन तैयार होते हैं तो 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं और ये एस फेज की तैयारी में के लिए रेडी हो जाते हैं प्रोटीन्स तैयार हो जाती है ये इंजाइन जो है वही तो क्या करेंगे प्रिपेयर प्रिपेयर करेंगे डीएनए की कॉपी को डीएनए पॉलीमरेज ही तो क्या करेगा उसकी कॉपी तैयार करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है इंजाइम है प्रोटीन है तो ये इसको प्रिपरेशन करने के लिए भी तो सारी चीज़ें चाहिए ना तो उसकी प्रिपरेशन इसी फेज़ में हो रही है वो इन्जाइन इसी फेज़ में बन जाते हैं तो एस फेज़ के फॉर्मेशन के लिए एस फेज़ के आ, की तैयारी में ये गैप वन लग जाता है गैप वन में क्या होता है न्यू सेल ऑर्गेनज भी फॉर्म होती हैं एम आर एन ए टी आर एन ए आर एन ए भी प्रिपरेशन होते हैं इसी फेज में यानी कि सेल ऑर्गेनिज बन रही हैं सारी सेल ऑर्गेनिज यहाँ पे तैयार हो जा रही है जो कि जरूरी हैं फॉर द सिंथेसिस और उस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनि जरूरी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट डी एन ए वो बन जाते हैं टी आर एन एम आर एन ए ये सब भी तैयार हो जाता है ताकि प्रोटीन बन जाए फटाफट और और प्रोटीन प्रोटीन किससे बनेगी डीएनए से ही और प्रोटीन बन गई तो सारी इंजाइम तैयार हो गई अब डीएनए का क्या होगा रेप्लीकेशन जो डिजायर डीएनए है उसमें से उसका रेप्लीकेशन होगा अब क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए है, है हमको पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का क्या करना है उसकी कॉपी तैयार करनी है तो इस वाले से तो क्या हो रहा है इस डीएनए से हमने क्या कर लिया इंजाइन तैयार कर, और कर लिए और इंजाइन तैयार कर लिए जैसे ही अब हम क्या करेंगे पूरे डीएनए का क्या करेंगे कॉपी तैयार कर देंगे तो इंजाइम प्रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए पहले डी एन ए से टी आर टी आर एन एम आर एन ए और आर आर एन ए भी तो बनने चाहिए और फिर एम आर एन ए जो है मैसेंजर का, का काम करता है और क्या बना देता है हमारी प्रोटीन्स बना देता है मैसेंजर आने क्या करता है प्रोटीन्स बना देता है देन कंसनट्रेशन ऑफ साइकिलीन डे इंक्रीजे अब साइक्लिन डी क्या है मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में ही कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी कि साइक्लिन और सी के जो हैं ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं चेक करने के लिए जैसे कॉलेज के गेट पर जो गार्ड प्रेजेंट होता है जो चेक करता है कि हम आईडी कार्ड है कि नहीं तो वो काम कौन कर रहा है हमारा साइक्लिन प्रोटीन इसी का हम रेगुलेशन में इंपॉर्टेंस समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो यहाँ पे कौन सी साइक्लिन है तो यहाँ पे डी साइक्लिन है ठीक है तो जीवन फेज में डी साइक्लिन साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है इसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और फॉस्फोराइलेशन भी क्या होता है फॉस्फोराइलेशन हो जाता है अब फॉस्फोराइलेशन क्या होता है फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड हो जाना फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना जैसे हम क्या बोल रहे थे कि एक होती है साइक्लिन एक होती है सी डी के और एक होती है हमारी फॉस्फोराइलेज 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 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम ये कर रही है ये सिग्नल दे रही है कि अब साइक्लिन और सी क्या करेंगे

किसी में चाहिए ई e, किसी में चाहिए ए और किसी में चाहिए बी तो अलग अलग फेज में अलग अलग क्या होती है साइक्लिन हमें चाहिए जो कि रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे साइक्लिन डी इस फेज में चाहिए होती है अभी के लिए आपको यह नाम याद कर लेने रेगुलेशन जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्या काम है देन इसके बाद हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स तो साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स का भी प्रिपरेशन इसी फेज में स्टार्ट हो जाता है यानी कि साइक्लिन ई e भी यहीं पे प्रिपेयर होने लगती है अगले फेज के लिए जो कि जीवन से एस फेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यहीं पे चेक होगा कि अब तुम रेडी हो कि नहीं तो ये साइक्लिन ई e का जो कॉम्प्लेक्स है वो सी के साथ मिल करके क्या करेगा चेक करेगा कि भाई क्या तुम्हारे पास सारे मटेरियल हैं एस फेज में जाने के लिए तो वो क्या करता है उसकी भी सिंथेसिस इसी फेज में होती है और ये चेक करता है कि आप अगले फेज में जाने के लायक हैं कि नहीं और जैसे ये देखता है कि ठीक है आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास सारे मटेरियल्स रेडी हैं तो हम कहाँ जाएंगे एस फेज की ओर नहीं तो क्या होगा सेल की डेथ कर देंगे हम अपो, अपोप्टोसिस कर देंगे अगर सेल की अपोपटोसिस करनी है तो क्या होता है सेल जी फेज में चला जाता है अब ये जो फेज है इसमें क्या होता है सेल क्या करती है अपने आप को अपने आप को वापस से प्रिपेयर करती है अब गार्ड ने देखा कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है चलो वापस निकलो अब तुम गेट पे कर, खड़े होकर क्या करोगे अपने दोस्त को फ़ोन करोगे घर पे फ़ोन करोगे मम्मी जरा आइडेंटिटी कार्ड भाई से भिजवा दो या बहन से भिजवा दो फ़ोन पे भिजवा दो मैं को गार्ड को दिखाना है तो ये जी जीरो फेज़ क्या होता है इस फेज में यही होता है कि सेल अभी प्रिपेयर नहीं है इसको वापस भेज दिया गया है तो ये प्रिपरेशन करेगा तो ये फेज जो है कई कई साल तक उसी फेज में ये सेल जो है अटका रह जाता है जैसे किडनी की सेल्स हैं हार्ट की सेल्स हैं वो इसी फेज में रुकी हुई हो जाती हैं रुक जाती हैं उनका डिवीजन एक एक समय के बाद रुक जाता है उसके बाद जैसे एक मुट्ठी हर इंसान का जो हार्ट का साइज होता है ना उसकी मुठ्ठी के बराबर होता है जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी उतना बड़ा उसका दिल तो आपको कहेगा मेरा दिल तो बहुत बड़ा है कहेगा चलो मिठ्ठी मुट्ठी दिखाओ तो तो ऐसे उसकी साइज होती है तो उसका ग्रोथ एक फेज के बाद मतलब इतना बड़ा होने के बाद रुक जाती है उसका उसका दिल का ग्रोथ होना रुक जाता है या उसकी किडनी की साइज बढ़नी रुक जाती है तो वो इसी को अरेस्टिंग फेज भी बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है यहाँ क्या होता है ये फेज जीवन फेज के बाद होता है जीवन के पास जीवन फेज के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या आगे सेल जाएगा कि नहीं अब इसके पास मैटर नहीं है इसके पास सारे आ, अंदर ऑर्गेनल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको रोक देंगे G0 जीरो फेज पे तो जी जीरो फेज पे यहाँ पे रुकने के बाद ये रेस्टिंग फेज होता है यहाँ पे रेस्ट करने लगती है सेल अब तैयारी करती है वापस से कि फिर से प्रोटीन जुटाएं अगर प्रोटीन जुटा करके आगे पहुंच जाती है तब तो ये इस फेज में एंटर करेगी और अगर नहीं कर पाती है तो इसी फेज पे रह जाती है मतलब आगे इसका ग्रोथ हम नहीं होने देते हैं देन दी सेल्स और साइक्लिन डी जो साइक्लिन है यहाँ पे साइक्लिंग नहीं है ठीक है साइक्लिन है दिस इज साइक्लिन डी जो होती है वो उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है जो साइक्लिन डी पीछे वाले जीवन फेज में बनी रहती है उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है देन क्या होता है इट होल्ड द सेल एट वन फेज ये तो फेज फर्स्ट पे ही इसको यहीं पे इनहिबिट कर देती है रिएक्शन तो जी जीरो फेज पे जी जीरो सेल जो होती हैं वो जीवन फेज पे ही अरेस्ट हो जाती हैं यानी कि ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन यहाँ पे क्या होता है ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है कि आगे की क्या हो सेल साइज में बड़ी हो और उसके अंदर सारे मटेरियल्स आ जाए ग्रोथ कोशिश कर पाता है करता है बट कर नहीं पाता है तो क्या होता है सेल इसी फेज में रुका रह जाता है जैसे कि किडनी सेल, सेल्स होती हैं और हार्ट की सेल्स होती हैं, वो इसी फेज में अरेस्ट होकर रह जाती हैं, ठीक है हम बढ़ेंगे कि इसके बाद आता है हमारा अगर इसने तैयारी कर ली अच्छे तरीके से कि सारी प्रोटीन्स तैयार कर ली तब तो ये क्या करेगा एस फेज के पास चला जाएगा नहीं तो इसी पैट कर रह जाता है तो एस फेज में क्या होता है सिंथेसिस फेज किसकी सिंथेसिस हो रही है बार बार बोल रही हूँ डीएनए की सिंथेसिस हो रही है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डी एसिड डी क्यों क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है इन कंपेरिजन टू आर एन पे जो क्या होता है कि कार्बन प्रेजेंट होता है टू प्राइम कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है ड्यूरिंग दिस फेज जो डी की सिंथेसिस होती है अकर्स डीएनए मॉलिक्यूल्स डुप्लीकेट करते हैं डीएनए अपने आप को क्या करता है उसका नंबर डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है सारे क्रोमोजोम जो होते हैं वो रेप्लीकेट हो जाते हैं क्रोमोजोम्स क्या होते हैं सारे रेप्लीकेट अपना रेप्लिका तैयार कर करके रेडी हो जाते हैं इनके अंदर इनकी कॉपीज तैयार हो जाती हैं खूब सारी सारी इसकी कॉपी एकदम एग्जैक्ट एक तैयार होकर के रेडी हो जाएगी कि अब हमको क्या करना है इसके बाद जी टू फेज से होते हुए माइटोसिस करनी है तो इसका रेप्लीकेशन हो जाता है तो इससे पहले हम देख रहे थे कि जीवन फेज में 20 से 50% लग रहा था टाइम यहाँ 35 टू 40% परसेंट जो फेज है एस फेज वहीं पे लगता है 35 टू 40% परसेंट देन इंटरफेज इंटरफेज में इसके बाद क्या होता है इंटरफेज में इंटरफेज का 35 फाइव टू फोर्टी जो है इसी फेज में लगता है देन साइक्लिन ई सी तो मैंने बताया था कि साइक्लिन ई सी डी के जो होती है वो सीडी के कॉम्प्लेक्स यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ई e जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेकिंग कि आगे ये फेज बढ़ेगा कि नहीं ठीक है मतलब अभी यहाँ पे चेकिंग नहीं होगी ये रेडी हो जाएगा कि आगे के लिए आगे काम आएगा फर्दर जब हम देखेंगे कि माइटोसिस के के लिए के बाद सेल बढ़ने लगेगी तो इन्हीं का यूज होता है तो साइक्लिन ए और सी डी के कॉम्प्लेक्स दोनों रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस को एस फेज के सिंथेसिस में इन इन दोनों साइक्लिन का क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों ताकि डीएनए अपने आप को नंबर का नंबर डुप्लीकेट कर सके बाई फॉस्फोराइलेशन एंड एडिंग जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाती है प्रोटीन्स प्रोटीन में क्या हो रहा है फॉस्फोराइलेशन सीडी जैसे ही साइक्लिन सीडी कॉम्प्लेक्स आएगा और बोलेगा कि गार्डन

यानी कि प्रोटीन जो है वो फास्फोराइलेशन करना शुरू हो जाती है इस तरीके से हमारा डीएनए क्या होता है फास्फोराइलेट कर दे जैसे ही प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होती है डीएनए की कॉपीज वो तैयार कर देती हैं

गैप पढ़ लिया तो ये सेकेंड फेज है ये माइटोटिक माइटोटिक के के लिए के लिए डिवीजन तैयारी कराता है हमारी इसको प्री माइटोटिक फेज भी इसीलिए कहते हैं कि माइटोटिक फेज की क्या करा के दे रहा है, हमको? दे रहा है।, Then, phase, जो होता है उसकी साइन वॉल्यूम क्या होती है वो बढ़ जाती है का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही पहले क्या होगी कैरियोकाइनेसिस और जैसे ही न्यूक्लियस का साइज इसके अंदर क्रोमोसोम्स की साइज बढ़ गई है ना तो क्रोमोसोम्स की साइज बढ़ गई है डीएनए के नंबर के रेप्लीकेश होने से तो न्यूक्लियस की साइज बढ़ बढ़ जाती है फिर फर्दर जा करके कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियर का जो मैंब्रेन है वही गायब हो जाता है ये सेल भी इसको छोटा ये न्यूक्लियर मैमब्रेन भी इसको छोटा लगने लगता है और न्यूक्लियर मैंब्रेन ही गायब कर दिया जाता है फिर प्रोफेट में देन क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है क्रोमोजोम के नंबर जो है अभी डीएनए एन ए का रेप्लीकेशन तो तैयार हो गया था तो डबल हुई हो जाएगा क्रोमोजोम के नंबर जहाँ होंगे डबल हो जाएंगे देन टू डॉटर सेल्स एक सेल से टू डॉटर सेल्स होंगी तैयार होने के लिए प्रोसेस सेलुलर कंपोनेंट्स डबल हो जाएंगे यानी कि दो सेल को बनने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सब इसमें रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब माइटोटिक फेज से क्या होगा दो सेल्स से तैयार होंगी ना तो दो सेल्स के अंदर जो जो कंपोनेंट चाहिए वो इसमें रेडी होकर के आपको दे दिए जाते हैं देन क्या होता है कि दो पॉइंट यहाँ पे इस फेज को हम चेक पॉइंट सेकेंड भी बोलते हैं पहला चेक पॉइंट हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था जीवन के बाद आ रहा था फिर सिंथेसिस से M2 G2 फेज में तो एंटर कर दिया गया बट तब तो चेकिंग नहीं हुई अब जी के बाद जब एम फेज में एंट्री होगी वहां पर चेक होगा कि क्या जी के पास इस फेज के बाद सारे मटीरियल्स हैं कि आगे ये बढ़ सके तो यहाँ पे क्या होता है एक चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि क्या सही कंसंट्रेशन है क्या क्रोमोजोम नंबर डबल हो चुके हैं कि नहीं क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि नहीं सारे क्रोमोजोम डबल हैं क्या सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं दो सेल बनाने के लिए दो माइट्रोक्रिया की कंसंट्रेशन बन गई है कि नहीं सारे प्रोटीन तैयार हो गए हैं कि नहीं फॉर द फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस वो सारे फंक्शन देखता है सेल की है कि नहीं तभी आपको क्या करेगा कि अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए ठीक है एक गेट से तो क्रॉस कर गए फर्स्ट चेक पॉइंट पे आप कॉलेज के गेट से तो एंटर कर गए हैं बट अभी सेकेंड चेक पॉइंट पे आपके डिपार्टमेंट के गेट पे चेक होगा कि क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं तो सेकेंड चेक पॉइंट पे क्या होता है कि ये चेक करता है सेल जो है वो चेक करता है कि क्या यहाँ पे सेल जो है वो रेडी है फॉर द माइटोटिक डिवीजन और नॉट क्या सेल माइटोटिक डिवीजन के लिए रेडी है कि नहीं तो जी टू फेज के बाद क्या होता है कि सेल अपने आप को चेक कर लेती है एक बार जैसे आप क्या होता है कि कॉलेज का गेट है आपका अब कॉलेज के गेट पे आपको क्या होगा एक बार आपको आइडेंटिटी कार्ड या आप हैं आपको एक बार आइडेंटी कार्ड दिखाना होगा जैसे ही आप आइडेंटी कार्ड को दिखाएंगे आपका गेट जो है ओपन हो जाएगा तो सेम केस कैसे हो रहा था आपका जीवन फेज के बाद क्या हो रहा था ये जीवन फेज जो है आपका है कॉलेज का गेट और दूसरा फेज जो है वो क्या है आपका डिपार्टमेंट का गेट तो डिपार्टमेंट के गेट पे आप यहाँ से एंटर करके जैसे ही जीवन आपको अलाउ कर दिया जीवन गेट जो है ये क्या गेट वन और ये है आपका गेट टू तो जे गेट टू है यानी कि ये क्या है ग्रोथ फेज फर्स्ट है और जो जी टू है गेट सेकेंड जो है आपका वो क्या है जी टू सेकेंड के बाद है यानी कि ग्रोथ फेज सेकंड के बाद है तो यहाँ पे क्या होगा आप फिर से यहाँ पे आओगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे कि सर ये डिपार्टमेंट में मुझे एंट्री दे दीजिए आपका कौन सा डिपार्टमेंट होगा जोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ तो आपका बॉटनी डिपार्टमेंट है तो सॉरी बॉटनी डिपार्टमेंट कह रही हूँ बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो आपका बायो का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप आकर ये आपका कॉलेज का मेन कैंपस का गेट है कैंपस का गेट है उसमें से आपको एंट्री मिल गई है फिर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के गेट के आगे आपका आपको आपका आइडेंटी कार्ड फिर से दिखाओगे तो जी टू फिर आपको एंट्री दे देगा कि आप फर्दर माइटोसिस के लिए रेडी हो यानी कि आप फर्दर अपनी नॉलेज को डबल करने के लिए रेडी हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि आपका चेक पॉइंट सेकेंड भी है तो चेक क्या होगा आपका सेकेंड पॉइंट भी चेक हो जाएगा कि क्या आपके पास यहाँ पे क्या होगा दो साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स यानी कि साइक्लिन ए और साइक्लिन बी जो है वो सी डी के साथ प्रेजेंट है कि नहीं वो क्या करेंगे आपको चेक करेंगे कि क्या आपके पास सारे मटेरियल्स आपके सेल के पास क्या है सारे जो मटेरियल है सारे ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं सारे इंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं फॉर द फर्ड डिवीजन दो क्रोमोजन्स हैं कि नहीं तो अब हम क्या करेंगे कि माइटोसिस के डिवीजन पे पहुंचेंगे अब होगा हमारा माइटोसिस यानी कि एम फेज एम फेज अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो साइकिल है सेल साइकिल है उसमें कितने देर लगती है हमको नब्बे मिनट तो एक सेल साइकिल में नब्बे मिनट लगती है नब्बे में से जो 89 नाइन मिनट्स हैं वो आपके इंटरफेज में ही लग जा रहे थे ये सारा इंटरफेज के अंदर सारे आ जा रहे थे वन, एस और हमारा क्या आ जा रहा था जी टू फेज जी टू फेज तो ये तीनों फेज में हमारा क्या लग जा रहा था नम ना एटी नाइन परसेंट आवर एटी नाइन आवर लग जा रहे थे और हमारा जो एक घंटा बच रहा था वो एक घंटा जो है सिक्सटी मिनट्स वो यहाँ पे लगेगा कहाँ पे माइटोसिस यानी कि एम फेज अब यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकती है मियोसिस भी हो सकती है यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर जो सेल है हमारी क्योंकि उसमें माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स में इसलिए हम यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है माइटोटिक डिवीजन तो वन आवर में यानी कि कभी कभी फोर्टी फाइव मिनट चलते हैं और कभी कभी क्या लगता है इसको सिक्सटी मिनट पूरे ही लग जाते हैं फॉर द डिवीजन तो यहाँ पे पहला फेज है हमारा इंटरफेस तो इंटरफेस से तो हमारा G1, G2 और S फेज करके सेल आ गया है गेट पार करके हमारा प्रोफेस करने तो प्रोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियोलर मेमब्रेन जो है आपका गायब हो जाएगा यानी कि आप क्या करोगे जैसे ही कॉलेज के गेट में डिपार्टमेंट के आप पास पहुँचोगे तो आप क्या करोगे आपका जो धड़क है वो खुल जाएगी आप कॉलेज में जाते हैं, फ्री हो जाते हो तो आपका जो बाहर का एनवलप है वो आप क्या हो करोगे लूज कर दोगे तो बाहर की कवरिंग गायब हो जाएगी यानी कि न्यूक्लियोलर मैमब्रेन गायब हो जाएगा इसके अंदर का न्यूक्लियोलस जो था न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मैमब्रेन के साथ डिसअपियर हो जाएगा तो प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाता है देन क्या होता है हमारा मेटाफेज आता है तो मेटाफेज में क्या होता है ये बिल्कुल सेंटर पोजिशन पर अरेंज हो जाते हैं कौन सेंटर पोजिशन पर अरेंज हो रहे हैं क्रोमोजोम जो है बिल्कुल इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये क्या है हमारा हमारा है ये सेंट्रीओल्स so, क्या होते हैं यहाँ पे दो प्रेजेंट होंगे दो और यहाँ पे भी दो प्रेजेंट होंगे और जो दो सेंट्रीओल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम उनको बोलते हैं सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल्स यानी एक सेंट्रोजोम ये है और एक सेंट्रोजोम ये है इसके अंदर दो क्या है ऐसे दो क्या प्रेजेंट होते हैं सेंट्रीओल्स ठीक है दो इधर और दो इधर तो इसके बाद ये जो क्रोमोजोम है इसके बीच में यहां पे क्या होता है क्रोमोजोम के जो बीच में क्या होता है हमारा सेंट्रोमियर ये होता है हमारा सेंट्रोमियर तो ये होता है सेंट्रोमियर और ये होता है सेंट्रोजोम तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है और सेंट्रोजोम के जो दो पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं हम है काइनेटो अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करती हैं कि अपने आप को एप्लीकेट करती है मतलब स्पिंडल फाइबर जो है वो ये पूरी हैं और एक डॉट की बात कर रहे हैं अगर ये एक बस इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक होता है अब ये जो इस साइड उगरती हैं छोटी 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 इसको बोलते हैं हम एस्टर और ये जो पूरी है इसे सबको हर एक को माइक्रो ट्यूब्यूल और सबको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारे स्पिंडल फाइबर्स तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आपको माइटोटिक और न्योसिस में नहीं क्लियर हुए होंगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ तो यहाँ इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आगे काइडेंटे कोर से अटैच हो जाते हैं अब ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटेड अलग हो जाएंगी इधर एक चली जाएगी एक इधर चल जाएगी एक इधर चल जाएगी एक इधर चल जाएगी तो ये क्या होता है क्योंकि ये बीच से डिवाइड हो रहा है इसलिए 46 सिक्स क्रोमोजोम इस साइड चले जाएंगे और 46 सिक्स क्रोमोजोम जो है कि इस साइड चले जाएंगे ठीक है बीचों बीच से ये डिवाइड हो जाएंगे और सिस्टर क्रोमेटेड अलग अलग हो जाएंगी तो जा, अगले फेज में क्या होता है कि आधी इधर चली गई और आधी बट के उधर चली गई ठीक है जैसे कि आप हैं आपको बीचों बीच से काट दिया जाए या चलिए आपकी बात नहीं करेंगे मुझे बीच से अगर डिवाइड करते हैं तो आगे इधर चल जाएगी आधे इधर चल जाएगी तो एक ही क्रोमोजोम तो है वो भी आधा आधा जा रहा है तो एक इधर और एक इधर ऐसे 46 सिक्स क्रोमोजोम है फोर्टी लोग हैं उनको बीच से डिवाइड करेंगे तो फोर्टी सिक्स आधा पार्टीधर फोर्टी सिक्स आधा इधर इसलिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दोनों साइड फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स चले जाएंगे तो यहाँ पे दो सेल्स का क्या हो जाता है दो सेल्स का फॉर्मेशन यानी कि अभी दो सेल्स का फॉर्मेशन के लिए अभी बाकी है प्रोसेस एना फेज में जैसे ही ये क्या होते हैं इक्वेटर पर पहुंच जाते हैं इक्वेटर पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहां पे अगले फेज आती है हमारी टीलो टीलो बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होता है यानी कि अब न्यूक्लियोलर मैमब्रेन आपकी अब आपको कॉलेज से वापस जाना है अब आप कॉलेज से जैसे ही क्या हुआ रहे हो घर की ओर जा रहे हो या आपका कॉलेज लाइफ जो है कि खत्म हो जाती है तब आपको बहुत दुख होता है और आप नए यानी कि पीजी करने जाते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आप फिर से वहां पर इंटरेक्ट करोगे नए तरीके से तो आपका एनवेल जो है वापस आ जाता है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसका न्यूक्लियर मैंब्रेन का एनवेलप वापस आ जाएगा न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस क्रिएट

ये चेक करती हैं यहाँ पे कि अच्छे से क्रोमोजोम का नंबर हाफ हाफ डिवाइड होने वाला है कि नहीं अच्छे से अटैचमेंट हुई कि नहीं सारे कंसंट्रेशन इक्वल है कि नहीं कहीं एक भी क्रोमोजोम ज्यादा या कम तो नहीं है अगर कम या ज्यादा रहता है तो भी क्या होता है बीमारियां हो जाती हैं क्रोमोजोम डिसऑर्डर हो जाते हैं जो कि आप एनसीआर में पढ़ के भी आए होंगे जो अलग अलग जो बीमारियां होती हैं जिससे लोग क्या होते हैं पीड़ित हो जाते हैं अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं उनको मेंटल कंडीशन अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या फिर क्या होता है किसी किसी केस में डेथ भी हो जाती है तो वो क्या हो ना हो इसलिए यहाँ पे चेक पॉइंट होता है कि क्रोमोजोम नंबर ठीक ठाक है ना अच्छे से डिवाइड होने वाला है ना तब भी कभी कभी गलती तो हो ही जाती है तो यहाँ भी क्या होता है एक चेक पॉइंट होता है थर्ड और ये चेक करता है कि क्या सब कुछ सही से अटैच है कि नहीं फिर फर्दर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है यानी कि मेटाफेज और एनाफेज यानी कि दो फेज के बीच में है और ये इधर से भी दो फेज के बीच में बीचों बीच ये चेक पॉइंट थ्री होता है इसी के साथ आपका ये पॉइंट भी खत्म होता है यानी कि आपकी जो सेल साइकिल है वो ख़त्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे सेल की रेगुलेशन होती है उसके लिए आपको रेडी होकर के आना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप रेगुलेशन को मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आते हो रेडी होकर के कि मुझे ये पढ़ना है तब तक रेगुलेशन समझ में नहीं आएगी तो रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मुझे पता है बट ईजी बनाना मेरा काम है जो कि मैं अच्छे से करूँगी और आप लोगों को वो अच्छे से समझा दूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ टिल देन थैंक यू